उत्तराखंड के युवाओं की मांग है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द सख्त भू कानून लागू किया जाए। इस मुद्दे ने इस बार ठीक चुनाव से पहले जोर पकड़ लिया है। इन दिनों तेजी से भू कानून की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चलाए जा रहे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। युवा जोरों शोरों से भू कानून की मांग को उठाने में लगे हुए हैं। अब इस मुद्दे पर आगे बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या होता है भू कानून और इसका उत्तराखंड में क्या इतिहास रहा है। बता दें कि भू कानून का सीधा सीधा मतलब भूमि के अधिकार से है, यानी आपकी भूमि पर केवल आपका ही अधिकार है। बता दें कि 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया, तब यहाँ भू कानून लागू था, लेकिन वो कानून इतना सख्त नहीं था। राज्य के गठन के बाद पहले 2 साल तक बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकते थे, लेकिन जब साल 2007 में उत्तराखंड में भुवन चंद्र खंडूरी ने बतौर मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब उन्होंने ये सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को भाजपा के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत एक नया अध्यादेश लाए, जिसका नाम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम था। इसे विधानसभा में पारित किया गया। इसमें धारा 143 धारा 154 जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता था। साथ ही इसमें उत्तराखंड के मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर में भूमि की हदबंदी यानी कि सीलिंग खत्म कर दी गई। इन जिलों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकेगी। दरअसल उत्तराखंड जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य में फिलहाल कोई भी सख्त भू कानून लागू नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ आकर कोई भी कितनी भी जमीन अपने नाम से खरीद सकता है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि राज्य में भी हिमाचल की ही तरह एक सख्त भू कानून लागू हो, ताकि कोई भी गैर उत्तराखंडी यहां आकर जमीन ना खरीद सके। बता दें कि पहाड़ी राज्यों में सस्ते दामों पर जमीन खरीद कर उसे बाहरी लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाहरी हस्तक्षेप से यहाँ की संस्कृति को बड़ा खतरा है, इसलिए अब एक सख्त भू कानून की मांग छिड़ गई है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।